तो ये है जानवी, जिसे प्यार से बोलते हैं जानू, और वो है अंशु, और ये है हमारी चिल्लर पार्टी। दो दो भांजी अपने ऊपर, और गाइस मैं हूँ आपका दोस्त आकाश पटेल, और स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है जेबीपी स्काई ब्लॉग ब्लॉग। देखो सिर्फ डांस करने लगे। आपका नाम क्या है? जानवी। और प्यार से सब लोग क्या बोलते हैं आपको? जानू। तो अभी ऐसा है ना कि वीडियो एडिटिंग हो चुकी है, अभी रेंडिंग पे लगा दिए हैं और अपलोडिंग कर देंगे दुकान में जाकर। और अभी ऐसा है ना कि 4 बजे ट्रेन है, और 4 बजे ट्रेन में निकल जाएंगे हम वापस घर। और भाई जबलपुर में फिर से स्टार्ट हो गया है अतरंगी फेस्ट, और अतरंगी फेस्ट में हम आज जाने की कोशिश करते हैं, पर अतरंगी फेस्ट में हम नहीं जा पाएंगे आज, क्योंकि भाई 4 बजे ट्रेन है और लिए हम पहुंचेंगे समथिंग, मतलब कि रात हो जाएगी, 10 बज जाएंगे और घर जाएंगे। जब तक बैटरी हमें पूरी डाउन हो जाएगी कैमरे की, और कल जाएंगे हम अतरंगी फेस्ट, कल जाएंगे हम अतरंगी फेस्ट, और कल सेकेंड डे रहेगा, 23, 24, 25 को अतरंगी फेस्ट लग रहा है, तो हम सेकेंड डे जाएंगे। तो चलते हैं, अभी ऐसा है ना नहाते धोते हैं, देन इसके बाद हम निकल जाएंगे ट्रेन के लिए। तो लाइक चलते हैं सीधा, हो गई है एडिटिंग, और जिया जी को बोलते हैं छोड़ देंगे अपने रेलवे स्टेशन में। अभी वो जिया जी कुछ कौन सा काम करते हैं जिया जी? अभी गोबर उठाने वाला काम। अच्छा पापा कौन सा काम करके आए अभी? गोबर उठाने वाला। गोबर कहाँ से उठाए थे? सार से उठाए थे। तो ये है बमनी बंजर का स्टेशन, और ज़्यादा समय नहीं लगेगा ट्रेन को आने में, और जल्दी आ जाएगी ट्रेन। हालांकि तो अभी पता नहीं कि ट्रेन कब तक आती है, ट्रेन कितने टाइम आएगी याद है? पता है तुम लोगों को कितने टाइम आएगी? 4:48 में आएगी, कंफर्म है ना? 4:48 में आ ही जाएगी। चलो ठीक है, छोटे छोटे प्यारे प्यारे मन्ने मन्ने छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर, और इनसे पता लगे कि 4:48 में करेक्ट में आ जाएगी ना, 4:48 में। और टिकट यहाँ से नहीं कटती? कहाँ से कटती है? चिरे डोंगरी से, यहाँ मंडला। अच्छा मंडला और चिरे डोंगरी से कटती है, यहाँ से नहीं कटती है? तो गाइस मतलब कि यहाँ से नहीं कटती है, चिरे डोंगरी से कटेगी, यहाँ से टिकट नहीं कटेगी, ऐसा है। चलो भाई ट्रेन आ गई है, ये पूरी ट्रेन पूरी की पूरी खाली है, पूरी की पूरी खाली है, और कुछ भाई लोग मिल गए थे, मतलब कि वो भी एक अनी मूव्स करके एक यूट्यूब चैनल उनका, तो भाई वो बमनी बंजर के हैं, और वो भी मिले, तो उनसे ही मुलाकात होगी जब भी नेक्स्ट बार होगी। तो फिलहाल अभी ऐसा ना ट्रेन चल गई है। डबल नाइन जीरो सेवन फाइव डबल फोर फाइव सेवन। चलिए के पास मिलते हैं। ओके ओके। तो ये बंदे मिले थे, मतलब ये भी यूट्यूबर हैं, और ये लोग रील्स बनाते हैं, अच्छे नए नए कंटेंट बनाते हैं, तो ये भी नंबर ले रहे थे अपना, तो नंबर मैंने पूरा हैंडल कर दिया, नहीं तो बाकी सब वायरल हो जाएगा, तो ऐसा है, तो बढ़िया है बाकी। तो गाइस मैं एक बात कहना चाहता हूँ आप लोगों से, तो जब भी हम ट्रेन में चढ़ते हैं ना, जब भी हम ट्रेन में चढ़ते हैं तो सावधानी से चलना है। एक्चुअली क्या हुआ था, जो मैं आपने ब्लॉग में स्टार्टिंग में देखे, मतलब कि जानवी नाम की लड़की थी, छोटी सी बच्ची थी, तो उसकी मम्मी का ना बहुत गंदा एक्सीडेंट हुआ था, ट्रेन से हुआ था, मॉर्निंग में हुआ था, मतलब ये ट्रेन जब मॉर्निंग में जाती थी जबलपुर, तो पेपर देने जा रही थी, तो एक्चुअली क्या हुआ था ना, उनका पैर ना स्लिप हो गया था और ट्रेन के नीचे आ गई थी। उनका पैर जो होता है ना, जो लेफ्ट हैंड वाला जो पैर होता है, वो पूरी तरीके से डेड हो चुका था, और जितने पंजन जितने उनको मांसपेशी पूरा हट चुका था, तो हम लोग जब देखे थे ना उनको, बहुत ही ज़्यादा मतलब अजीब देख रहा था, देखने लायक हालत नहीं थी, मैं ना बयान नहीं कर सकते, इतना खतरनाक हुआ था उनका। तो हालांकि अभी वो मतलब कि ठीक है, और ये मतलब कि 2 महीने से ज़्यादा हो, 4 महीने हो गए समथिंग, अराउंड 4 महीने हो गए, बहुत ही गंदा हुआ था उनका। तो मेरे कहने मतलब ये है कि अक्सर आप जब भी ट्रेन में चढ़ते हैं ना, तो आप देख लीजिए, और बहुत कम समय पर ये ट्रेनें रुकती हैं यहाँ पर, मैक्सिमम यहाँ पर ना 20 सेकंड की रुकती है, कभी कभी ना 7 या 8 सेकंड में चलने लगती है, इस दौरान में दुर्घटना ज़्यादा होती हैं। अगर भाई से आपको लगता है कि आप ट्रेन में नहीं चढ़ पाते, तो आप नहीं चढ़िए, छोटी सी गलती के कारण आपके साथ बहुत ही ज़्यादा बड़ी दुर्घटना हो सकती है। हालांकि दीदी किस्मत ऐसी थी कि प्लेटफार्म और ट्रेन के बीचों बीच जो जगह होती है, वो वहाँ पर जाकर नीचे बैठ गई थी, और उनका पैर ना वैसे एक चक्का पड़ के ना वो फेंक दिया था चक्के ने, तो फिलहाल वो इतना ज़्यादा नहीं हुआ था, मात पैर में आया था उनकी, जितनी भी एड़ी एड़ी थी, एड़ी का पूरा मांस खत्म हो चुका था। तो इसलिए आप ये कभी भी गलती नहीं करना। तो
कैसे कट चुकी है अपनी। चलो डाउन टू जबलपुर। भाई सामने का क्या व्यू आ रहा है, बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है सामने से। बस ये वाला थोड़ा सा फंडा सही नहीं है, मतलब कि यहाँ से रेलवे स्टेशन में पहले प्लेटफार्म में उतर के पहले टिकट कटवानी पड़ती है, भला हम बम्बनी से बैठे हैं और चाहे कहीं से बैठे हों, ये थोड़ा सा फंडा है। क्योंकि बम्बनी बंजर में अभी ना टिकट काउंटर अभी ओपन नहीं हुआ ना, जब तक टिकट काउंटर ओपन नहीं हो जाता है, हालांकि बन गया पर टिकट काउंटर ओपन नहीं हुआ, जब तक ओपन नहीं होता ना जब तक थ्री यही फंडा रहेगा। और जब तक जितने लोग हैं ना, मतलब कि जितने लोग हैं, जितने लोग सवारी करते हैं मंडला से आते हैं या बम्बनी बंजर से, तो वहाँ पर अक्सर जितने लोग आते हैं ना, जब तक टिकट नहीं करवा लेंगे जब तक ये ट्रेन आगे नहीं बढ़ेगी। तो जिस दिन टिकट कटवा ही रहे हैं अभी लोग, बहुत से लोग हैं। मध्य प्रदेश में बहुत से ऐसे टाइगर रिजॉर्ट हैं, बहुत सारे, पर सबसे बड़ा की बात करें हम तो सबसे बड़ा टाइगर रिजॉर्ट है कान्हा कृष्णी टाइगर रिजॉर्ट। तो यहाँ से महज 30 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ भी कभी ना कभी हम आपको लेके चलते हैं। फाइनली यार, मतलब कि 1.5 घंटा से ज़्यादा खड़ी रही गाड़ी, और उसके बाद अब पहुंच गए हम अपनी संस्कार धानी। ओ भाई साहब, देखो तो कौन आया है अपन को लेने के लिए। छोड़, अपनी राम प्यारी आई है अपन को लेने के लिए। तो फटाफट अपन इसको सेटअप करते हैं, गोप्रो इसमें लगाते हैं, अपन मिलते हैं सीधा मोटो ब्लॉगिंग में। और अच्छा हुआ ये, मतलब कि कहीं गए नहीं है, अपन को लेने के लिए आ गया सीधा ये जबलपुर संस्कार धानी के स्टेशन में। हाय मेरी राम प्यारी, लेट्स गो। अरे क्या हो गया, अरे ठंडी पड़ गई क्या? अरे क्या बात है, चालू हो गई राम प्यारी हमारी। चलिए 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 राम प्यारी। तो ये है हमारा रेलवे स्टेशन। क्या है बताने की भाई, जो भी कहीं भी दिखाने में जो मज़ा आता है ना, वो मोटो ब्लॉगिंग में ही मज़ा आता है, और कहीं मज़ा नहीं आता। मतलब कि जैसे देखो, मुंडी जहाँ घुमाएंगे, जो हम देखेंगे वही कैमरा देखेगा, जो कैमरा देखेगा आएगा वो आप देखेंगे। तो भाई 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 ऐसा होता है। तो टाइम आ चुका है हमारी राम प्यारी का, हमारी राम प्यारी का सर्विसिंग का टाइम आ चुका है। अब इसको करवाना है बहुत ही जल्द सर्विसिंग, और ऐसे वैसे जगह नहीं सर्विसिंग करवाना भाई, अच्छी जगह ही रहे सर्विसिंग करवानी है हमें। भाई जब मोटो ब्लॉगिंग कर रहे हैं ना, तो हाथों में ठंडी ठंडी हवा का प्रभाव पड़ रहा है, जिसमें कि ऐसा लग रहा है काश आज हमारे हाथों में ग्लव्स होते। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यदि मुझसे कोई बोलेगा ना कि आपको सबसे ज़्यादा पसंद क्या है, मोटो ब्लॉगिंग पसंद करना है या आपको नॉर्मल ब्लॉगिंग करना पसंद है, भाई मेरे दिल से तो बस यही पुकार निकलेगी, भाई मुझे मोटो ब्लॉगिंग करवा दो बस। क्या होता है ना, मोटो ब्लॉगिंग में जो कॉन्फिडेंस मिलता है ना, और फड़ा 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 बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ, और जब हम ब्लॉगिंग करते हैं ना कैमरे से यूँ पकड़ कर, तो मज़ा तो उसमें भी आता है, इसमें भी मज़ा आता है, उसमें भी मज़ा आता है, बट जो ये इसमें जो मज़ा आता है ना, वो हम बूछ ही नहीं दिखा पाते हैं। भले ही हमारा इसमें फेस दिखाई देता है, पर ऐसे में हम जो मोटो ब्लॉगिंग करते हैं, जहाँ हमारी नज़रें जाती है वहाँ की कैमरे की भी नज़रें जाती है, इसलिए वो चीज़ दिखा पाते हैं जो हम दिखना चाह रहे हैं, और जो आपको दिखाना चाह रहे हैं वो सब दिखने मिलता है। The next day. So, good morning guys, कैसे हैं आप सभी? So guys, कल रात को हम पहुंचे थे 10:30 बजे, और मतलब कि 10:30 बजे मुझे ट्रेन में, मतलब कि रेलवे स्टेशन तक आने में लग गए थे, और मतलब कि वहां पर 9 बजे स्टेशन में पहुंच गई थी वो कशपुर ब्रिज थराए थे, हाँ कशपुर ब्रिज के वहां पर ना रुकी हुई थी। 1.5 घंटा हम ऐसे ही खड़े रहे, ऐसे ही खड़े थे, 10:30 बजे गए थे घर में, आते आते 11 बजे, खाना ना खाए, लंच के बाद सोए, अब हुआ है गुड मॉर्निंग। सो अब ब्लॉग को तो अब यहीं पर एंड करते हैं, और ब्लॉग के साथ साथ आप लोगों को वो एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जो लोग अतरंगी फेस्ट में ब्लॉग शूट करना चाहते हैं और जाना चाहते हैं, तो आप लोगों को पहले तो मैं बता दूँ कि ऑनलाइन प्रोसेस चल रही है, 150 रुपये टिकट लग रही है। यदि आप लोगों को वहाँ जाना है तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक है, आप लोग पहले टिकट वहाँ पर बुक कर लीजिए, उसके बाद को जाने मिलेगा। लिमिटेड है, लिमिटेड लोगों को जाने मिल रहा है। और दूसरी बात भाई, ब्लॉगरों को वहां पे अलाउ नहीं कर रहे हैं ब्लॉग शूट करने के लिए, इसलिए आप लोगों को अतरंगी का फेस्ट इस बार का ब्लॉग नहीं मिलेगा। हम देखने चले जाएंगे, घूम के आ जाएंगे, बट आप लोगों को देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि सीधा मना कर दिया है कि ब्लॉगरों को ब्लॉग शूट नहीं करने दिया जाएगा। और दूसरी बात, मैं आप लोगों को कुछ
आगे वाले ब्लॉग में एक फायदे की चीज बताने वाला हूँ। यदि आप लोग अच्छा खासा इनकम सोर्स चाहिए, आप लोगों को उसके बारे में जानना है किस तरीके से इनकम सोर्स अच्छा आ सकता है, और अपने जबलपुर में ही 2-3 ब्रांचें हैं उसकी, तो यदि आप लोगों को उसके बारे में जानना है तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना आप लोगों को जानना है कि नहीं। यदि आप लोगों को जानना होगा तो हम वो चीज़ जरूर लेके आएंगे। और मेरे पीछे बैठा है सागर, और मुझे भी कम से कम कुछ टाइम हो गया है और उसमें टाइम स्पेंड हो गया है। मैं सोचता था जब इसमें अच्छे से जान लूँगा, परख लूँगा, उसके बाद ही आप लोगों को बताऊँगा। तो कोई बात नहीं, अपने मिलते हैं ऐसे ब्लॉग में। और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिसमें आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और मिलते हैं ऐसे ब्लॉग में, जब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।